मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आज है वेडनेसडे, मन्नू का आज ऑफ ही है तो मन्नू अभी आराम से सो रहे हैं। मैंने कहा चलो आज उन्हें सोने देती हूँ, नींद पूरी उनकी हो जाएगी अच्छे से। एंड अभी उठी हूँ मैं तो आप लोगों के कॉमेंट्स रीड करेंगी पाव भाजी वाले ब्लॉग में, तो बहुत अच्छे कॉमेंट्स आ रखे थे। बहुत सारे लोगों ने और भी अपने ओपिनियन दे रखे और कि और क्या क्या बना सकते हैं स्ट्रीट फूड में। सो गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैं 7 days का चैलेंज रखा, बट मैं 7 days कंटिन्यूसली नहीं बनाने वाली। वाई? बिकॉज 7 days कोई भी घर पे मतलब जो भी हम स्ट्रीट फूड बनाते हैं वो हैवी होता है। 7 days तो कोई भी नहीं खा पाएगा रेगुलरली। एंड पाव भाजी भी कल जो बनाई थी उसकी भी भाजी अभी इतनी बची हुई है कि वो एक टाइम पूरा काम निपटा सकती है। तो मतलब हम 2 दिन पाव भाजी खा रहे हैं, उसके बाद मैं रात को अगेन कुछ बना दूँ ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी पालक भी लाए हुए हैं तो पालक पनीर बनना है आज रात में, तो 1-2 दिन छोड़कर मैं वो चैलेंज का बनाया करूँगी। 7 डे है, मैं जितना बना पाऊंगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करा करूँगी, बट 7 डे चैलेंज है तो 7 डे थोड़ा रुक रुक के मतलब इस मंथ के एंड तक तो कंप्लीट हो गई। सो अभी बस जाती हूँ नीचे। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। और मम्मी आज पालक काट रहे हो सुबह सुबह ही? हाँ, तो ये पालक तो चलो पालक पनीर तो देखते तो पैर है, रात में जब भी बनाना होगा। फिर मैंने पापा के लिए आलू कट कर दिए, ठीक है। हाँ। पापा को तो अभी फ्राई आलू दे देते हैं, फिर रात को पापा आके पालक पनीर खा लेंगे। चलो मैं आलू बनाती हूँ, शिकंजी वगैरह बनाती हूँ, तब तक पापा भी आने वाले होंगे, फिर कहेंगे अभी तक हुआ नहीं नाश्ता दिया। तो बस फ्राई आलू भी रेडी हो चुके हैं और क्या कहते हैं साथ साथ यहाँ पे मैं डोस बनाए हैं और शिकंजी बना रही हूँ। तो मेरे से शिकंजी की रेसिपी पूछ रहे थे, खाई शिकंजी की कुछ भी रेसिपी नहीं है, सिर्फ चीनी को मतलब अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, घोल दूँगी चीनी को और इसमें नींबू डाल दूँगी। तो आप प्रपोर्शन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कैसे चाहिए, चाहे तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं। और उसके बाद बस बर्फ और पानी डाल दीजिए, शिकंजी रेडी है। अभी ना एक कमेंट आया लीना प्रिंस जी का, वो कह रहे हैं आपके पापा ने ना जब झकास बोला था मजा ही आ गया। नहीं, जब सामान टेस्टी मिलेगा खाने को तो बोलना ही पड़ेगा झकास। अब मेरे को भी झकास आपका इतना पसंद आया, मैंने टाइटल ही रख दिया झकास वाला। मैंने कहा झकास वाला टाइटल ही रख दो। टेस्टी बना हुआ था। हाँ, अभी वो मम्मी कह रही है स्वीटी दीदी के बच्चे आ रहे हैं ना, मैंने कहा भाजी और पाव दोनों पड़े हुए बना देंगे उनको ना, पाव बना के वो भी उनके लिए भी थोड़ा अलग हो जाएगा। उनको होता है नानी का, वो सबको ही होता है, नानी मासी की छुट्टियों में जाओ, हम कितना जाते थे। मैं तो यही होता है। हाँ। बच्चों को ना आएंगे ना उनको मां ले जियो बर्फ वाली से। बर्फ वाली में ठीक है, मेरी सब चलेंगे ठीक है। ठीक है, तो गर्मी इतनी है तो वहाँ बर्फ है ना, मेरे को तो कहीं मत बोलो करो जाने के लिए, मैं तो अपने धूप को देखी। धूप तो बहुत है, कल मन्नू भी कह रहे थे, कह रहे बहुत ज्यादा धूप हो रखी है, आइस वाली जगह पूरा दिन एंजॉय करेंगे, कुछ देखते हैं। हाँ ठीक है, कल गोभी लेने गई ना नीचे। हाँ, तो आंखें बंद होगी। हाँ, जैसे दुकान के अंदर घुसी मैं तो सीढ़ी में। एक गर्मी बहुत हो रही है इस समय, तो बाहर जितना कम निकल सके जरूरी हो तो ही बंदा निकले। मैं तो सुबह बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो जाती, मैं तो निकलती हूं। नहीं सही है ना। क्या नाम है? लीना प्रिंस। लीना, लीना प्रिंस, थैंक यू। बस अभी मैं भी ब्रेकफास्ट का हम थोड़ा लेट ही कर दिया गाइस ब्रेकफास्ट, इसलिए हम लोग रोटी साथ में खा रहे होते हैं। तो चटनी जो कल बनाई थी वो है, आलू है और साथ में रोटी शिकंजी ली है मैंने। जा रहे हो पापा? लंच अंदर पैक कर दिया है, टोस्ट रख दिया और वो आलू की सब्जी रख दी, फ्राई आलू रोटी रख दी, ठीक है। चलो रात को मिलते फिर। मन्नू, मैं आपको कह रही थी ना कि एसी में कोई दिक्कत चल रही है, इतना हमें ठीक कूलिंग नहीं दे रहा। मैं उस टाइम से बोल रही थी जब शॉर्ट सर्किट हुआ था, याद है? हाँ। हमें वहाँ वाटर पार्क जाना था ना। हाँ हाँ, उस दिन शॉर्ट सर्किट हुआ था, मैंने तब कहा था आपको। हाँ, भर भर के मिट्टी निकली है इसमें से, तो तभी वो दे था। रात को तो बिल्कुल कूलिंग ही नहीं थी, बहुत वो रखा था। 3-4 दिन से हो रहा था दिक्कत, अभी कराई है हमने 3-4 महीने पहले, मार्च में करवाई है ना, मार्च में कराई है, दोबारा दिक्कत आ गई। तो आंधी भी तो बहुत चली है ना बीच में, अब इसको 1.5-2 महीने में करवा लिया करेंगे सर्विस। ऊपर का फ्लोर है ना हमारा, एक चलती हुई रोड है, भैया कह रहे हैं चलती हुई रोड है तो मिट्टी तो आएगी आएगी। हाँ, बहुत जबरदस्त मिट्टी निकली है। हाँ चलो, अब इसके बाद तो सही से चालू हो जाएगा। तो गाइस आज बने हैं बहुत ही लजीज पालक पनीर, साथ में चपाती खीरा, एंड मैडम लगी है खाने के लिए, टेस्टी है ना,
खा लो जल्दी से। ठीक है, और हमारे दूसरी जो मैडम है वो देख रहे हो आप, आते ही साइकिल पे लग गई है अपनी। परी आज टन्नू आ रहा है, टन्नू आ रहा है आज। परी मैं टन्नू की चाची बन जाऊं? नहीं, सिर्फ परी की चाची रहेगी। ओके, आपके लिए नहीं है, टन्नू की भी चाची है। आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी कुछ दे दो। हां, टन्नू की भी चाची है, सना की भी चाची है। आ रहे हैं वो आज, सारे आ रहे हैं आज। खेलोगे उनके साथ? ठीक है, ओके, मैं फोन करके बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है। ठीक है भरी, यार तन्नू आएगा तो कौन सी साइकिल चलाने दोगे उसको? ये वाली? आप कौन सी चलाओगे? ये वाली। अच्छा, हमेशा मम्मी हमेशा कहती है कि तन्नू जब आएगा ब्लू वाली चलाएगा। है पूजा हमेशा क्या कहती है, जब भी तन्नू आएगा कौन चलाएगा? ये वाली। वो नहीं कुछ चलाती है समझदार है मम्मी, है ना? दोनों चाची का और परी का खेल चालू हो चुका है जी। परी परी है, उससे नहीं, अपने पैर से चलो, तब जाकर तेज जीतोगे आप। ओ भाई, अरे चूहा मारना है ना, एक गाय खाओ। देख लो, चाची बुला रही है, चाची बुला रही है। अच्छा, परी बुला रही है, परी बुला रही है, बुला रही है। चाची भी ये शिमला के बाद। ओ मन्नो, बोल दे एक बारी। मुझे पानी दे दो यार, एक गिलास। क्या कर रहे हो? सफाई कर रही है, पानी मुझे भी दे दो एक गिलास। चलो मैं ही दे देता हूँ, बाइट है ना। हाँ, वो जल्दी गंदा हो रहा है। चलो मैं ही देता हूँ, मेरे को भी दे दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या बात है, इतना चमचमा। आई ला, आई ला, इतना चमचमाता हुआ किचन। अब कल तक तो बहुत गंदा हो रहा था। वो पता है कि खाना वाला बनता है ना, तो वो तेल वेल के निशान आएगा। देख तो वाइट है ऊपर, तो ऊपर वाली किचन में तो कुछ बनता भी नहीं है, वो तब भी गंदा हो जाता है। बिल्कुल एकदम चमका दी मम्मी। अब कल ना रसोई चमका दी यार। वो लेगा 1500 के करीब लेगा। मेरे लग रहे हमारे ऊपर रसोई की 1150 ले गए थे खाली थी, और जो भरी होती है ना वो खुद ही खाली करके खुद ही रखी है। बस गाइस ऊपर आई थी एंड थोड़ी देर रेस्ट करा, थोड़ा बहुत काम करना था वो निपटा है एंड रेडी हुई हूँ। मैंने कहा स्वीटी दीदी आने वाले हैं तो इससे पहले रेडी हो जाती हूँ। वैसे तो घर में नाइट सूट में ही कम्फर्टेबल लगा रहता है, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। बट जब कहीं जाओ एंड कोई घर पर आए तो थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, तो रेडी हुई हूँ। अभी थोड़ी देर में स्वीटी दीदी एंड उनके बच्चे भी आ जाएंगे। और दी, हेलो जी, नमस्ते जीजू। हाँ, आज आना हो गया? हाँ, बिजी शेड्यूल में से निकाल ही लिया टाइम। हाँ, चलो सही किया ना। हेलो जी, आज से न्यू हेयर कट। हेलो, आज ही कर रहा है। ओके, सही है ना बच्चों के? अभी तो इनके स्कूल कब शुरू है इनके? जुलाई से। आठ जुलाई, एक से है। ओके, तो हाँ, तब तक तो बीच में एक दो बार और आ जाएंगे। अभी तो हाँ, पापा आज आपका जकास वाला वो इतना पॉपुलर हो गया है। एक लिख रहे हैं अनिल, सारे लोग कह रहे हैं आज के अनिल कपूर।
हाँ अनिल कपूर, अनिल कपूर बन गए आज हमारे घर के। हाँ 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 और पापा अनहेल्दी भी नहीं खाते ना, ये भी नहीं। हाँ पापा ये नहीं नहीं हाँ कल पर पापा जी खिला दी पापा को। अब पापा अब वो डोसा है पापा का ना, इतना मस्त लगा मैंने टाइटल ही रख दिया झकास। अब पापा डोसा है, अब एक दो दिन में डोसा ठीक है। फिर कही बोले क्या बोले, अयो डोसा खा के मजा आया। हेलो रिश्ता बदल दिया उसने तो, है परी ने तो रिश्ता ही बदल दिया मामू। वो नहीं परी नहीं। अब गए, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। ये लास्ट टाइम भी ऐसी कर रही थी, अब नहीं छोड़ेगी परी, अब आपको पीछा नहीं छोड़ेगी परी। क्या बना रहे हो जी, क्या बना रहे हो? वेज पुलाव। वेज पुलाव। नैन्सी और वो आए हुए थे घर पे आज, वो दुकान पे। हाँ तो वो दुकान खोलने गया था तो उनके लिए स्पेशल दुकान खोली। मैं कहा अपने बंदे हैं कोई बात नहीं। जीजू ले गए हो? हाँ जीजू पैंट शर्ट लेके गए हैं। ठीक है ठीक है। क्या ये मिक्स पुलाव? ओके चलो बना दो हैं। मैं जब तक जीजू वगैरह के लिए चिकन वगैरह लेके आ रहा हूँ। तो भाई क्या हाल है, बड़े टाइम बाद जीजू भी आ गए। मैं कहा इतने दिन से आ नहीं रहे थे, मैं कहा पूछूं कैसे क्यों नहीं आ रहे। अच्छा बच्चे एकदम खुश हो गए, मामू मेरे पैर पकड़ने को हो रहा है यूं। मामू मैं कहा भाई बड़ा तमीजदार हो रहा है। तो गाइस जीजू आए हैं, जीजू को सलामी बहुत पसंद है, नगर रखवाओ इनके आगे सबसे पहले। क्यों जीजू अभी आपके लिए चिकन ही मंगा रखा है, रोटी डिनर करके जाओगे ऐसे नहीं जाओगे? मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप रहो, आपने मुझे मना कर दिया कि मैं रहूंगा नहीं, मगर देखो 90% हम रोकने की कोशिश करेंगे पूरा। कोई बात नहीं, खाती है इसकी बड़े, एक बार खिलाया था इसको, कह रही चाचू वही खिलाओ। हाँ कहाँ रह गए, सलाद तो डाल दो फटाफट। अच्छा बन गई, क्या बात क्या बात। बस वो पाव भाजी स्टार्ट कर रही हूँ। चलो ठीक है, पाव भाजी पूछ लो कौन कौन खाएगा। नहीं फोन किसका है, ये वाला मम्मी का फोन है भाई, तू काबू नहीं आ रही स्वीटी। ये कौन सा बच्चे ले लेते? अच्छा बच्चों के लिए लगाया होगा ना। ये कहता है मेरे टॉयज वाला लगाओ, ये कहती है पिंक कलर का लगाओ मुझे। अच्छा अच्छा ये हमारा मेरी बहन का लड़का है, इतना प्यारा सा, छोटे छोटे बाल करा लिए, हीरो नंबर वन। इतनी टेस्टी है ना, मैं अगर खा के याद रखोगे कोई चीज खाइए। कैसी बात कर रहे हो, चेक करके बताओ आप रिएक्शन, बताया ना हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी, पब्लिक देखेगी सब कुछ, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर देखेंगे। बताओ फिर खा के कैसा लग रहा है, सही बताना, देखो जेन्युइन वाली बात, पक्की बात है। चलो ठीक, थैंक यू थैंक यू। पास होगी पूजा? पूजा पास 100%। ओके डिनर लगा दो, जीजू को भूख लग रही है। हाँ बस सब रेडी है। ठीक है दीदी वगैरह जीजू सबको दे दो ना खाना। रोटी बन रही है बस। ठीक है सलाद क्या क्या कर रही है? अभी प्याज कट करे, बीच में प्याज लगाओ। डिजाइनर बना रही है मतलब सैलेड है। ये थोड़ा सा बीच में ना वो कर दूंगी, पापा खाते ना टमाटर। हाँ जी हाँ जी।
अभी पापा ने खा लिया तो मैंने कहा चलो फिर सब खा ही लेंगे, टमाटर मतलब लग रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ। अनियन रखे सही है ना? देखो हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनियन भी गोल गोल कट कर लेते हैं, दिखाओ जरा। कोई नहीं चलो, मैं तो पहले तो कहता था ना गोल गोल कट कर लेते हैं। चलो आ जाओ फिर, रोटी डाल दो जी। कितना नींबू डाल दिया? चलो पहले हुई है जी वेज डिलीवरी, अब कर रहा हूँ नॉन वेज डिलीवरी जी जी के लिए। रख दिया, चलो ले आओ फटाफट। ये लो जीजू जी, बटर चिकन सलाद आ गई है। सुनो, डाल देती हूं। रायता भी है, पालक पनीर भी है और पुलाव भी है। और बताओ मैं भी खाता हूँ। ठीक है पापा, आपका हो गया, सबका हो गया। चलो जी, अब क्या कर रहा है भाई तू? अब सो जा, टाइम देख ले, डेढ़ बज गया, डेढ़ से ऊपर हो गया। आई शेडो लग रही है मेरी, आई शेडो लग रही है। ये देखो भी, लगाओ लगाओ, मिट्टी हो रही है। अच्छा जी, तन्नु 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 सुन 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 सुन, पहले इधर सुन, सुनेगा मामी को पुच्ची कर दे, पुच्ची कर पहले। अच्छा दोनों करोगे पुच्ची? करवा लो सभी, मैं भी अब आप भी कर दो। तो गाइस अब करते हैं गुड नाइट थोड़ी देर में, क्योंकि जीजू भी सो गया, अब इनको सोने देते हैं, अब चलते हैं थोड़ी देर। मैंने कहा थोड़ी देर में गुड नाइट करते हैं, जीजू भी सो गए, अब डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो गाइस अब बहुत जोरों की नींद आ रही है, तो हम लोग ना आज मम्मी वाले फ्लोर पे ही सो रहे हैं, जो दूसरा रूम है वहाँ पे ही सो रहे हैं, बिकॉज हमारे जो ऊपर वाला रूम है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हम ऊपर गए, हमने आधा घंटा एसी चलाया, बट हमें गर्मी लगने लगी, तो हम नीचे ही आ गए। मम्मी कह रहे हैं तुम नीचे ही सो जाओ, जब तक ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी, थर्ड फ्लोर है ना एंड ऊपर कुछ है भी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। स्वीटी दीदी ऊपर बच्चों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर, तो चेंज करके बस नीचे आए। इतनी जोरों की नींद आ रही है, अब थोड़ी सी तो वीडियो एडिट रह गई है वो करती हूँ। इसी के साथ गाइस ये वाला जो ब्लॉग है करते हैं, एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।